अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज अभी हम जिस जगह पर हैं, जिस लोकेशन पर हैं, इस जगह का नाम है भाई जब्बड़, और ये दरहाल के अंदर आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी से तकरीबन 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं भाई दरहाल के जो मशहूर वाटरफॉल है अब्दुल्ला वाटरफॉल, वहाँ पर जाएंगे, उससे आगे भी जाएंगे, और क्या कुछ आज हमको देखने को मिलता है वो सब आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Man, you are amazing guy. Mashallah, keep up the good work. सो गाइस, अभी हम जब्बड़ से दरहाल की तरफ निकल चुके हैं और दरहाल यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड गाइस, नीचे वाली तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे धान की फसल काट के रखी हुई है, और आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और लाजवाब है। देखने में काफ़ी डेवलप्ड एरिया लग रहा है, एंड अभी इस महीने के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। ये देखने वाली बात है, हरियाली चेक करो भाई, हरियाली, क्या हरियाली है, वाह। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दरहाल, लेकिन उस लोकेशन पर नहीं पहुंचे हैं जिसके लिए स्पेशल घर से हम निकले थे आपको दिखाने के लिए। एंड गाइस, जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ सामने इतनी खूबसूरत लोकेशन है कि भाई साहब आप खुद देखकर खुद कमेंट करें कि भाई ये जगह आपको कैसी लगी। गाइस, ये सामने आप देख सकते हैं कि ये दरहाल की छोटी सी मार्केट है, और इस तरफ आप देख सकते हैं भाई एक बड़ा सा दरिया है जो कि काफ़ी फैला हुआ है। एंड पार वाली साइड आप देख सकते हैं भाई एक छोटा सा गांव है, काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। हम यहां से आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाएंगे। ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर कच्चे और पक्के घर, पुराने टाइप के, जदीद दौर के मकान भी हैं और पुराने भी हैं, काफ़ी खूबसूरत है। एंड दरहाल की जो मेन मार्केट है वो यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, और हम अभी इस वक्त जा रहे हैं भाई अब्दुल्ला वाटरफॉल की तरफ। एंड यहाँ पे हमारे साथ है भाई अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई, आज आपके नाम से हम वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नहीं, आपको क्यों अच्छा महसूस हो रहा है? वाटरफॉल सिर्फ आपके नाम पे है। मेरा फ़ोन टूट गया है गाइस, देखो सुबह इस बंदे ने निकलते साथ ही फ़ोन तोड़ दिया भाई साहब, बाइक से गिर के। तो अब्दुल्ला भाई अब चलते हैं हम। सो गाइस, फाइनली हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर मशहूर वाटरफॉल है जिसका नाम है अब्दुल्ला वाटरफॉल। एंड ये जो पीछे मेरे आप जगह देख रहे हैं, जगह का नाम है खोड़ियां दरहाल। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे कोई अच्छी सी लोकेशन होगी, तो भाई पहले हम आगे से थोड़ा घूम के आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे अब्दुल्ला वाटरफॉल। लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली अभी हम बिल्कुल दरिया के बीच में आ चुके हैं, यहाँ पे ब्रिज के ऊपर। इस तरफ आप देख सकते हैं पहाड़, इस तरफ भी पहाड़, इस तरफ भी पहाड़, वाह भाई वाह, लाजवाब। और ये पहाड़ देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हर तरफ पहाड़, और बीच में आप देख सकते हैं पहाड़ों की गोद में खूबसूरत से मकानात बने हुए हैं, ये देख सकते हैं भाई साहब। बहुत ही ठंडा पानी है माशाल्लाह। अभी यहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म,
जम्मू एंड कश्मीर, वेलकम यू टू अब्दुल्ला वाटरफॉल, खोड़ी वाली दरहाल रजोई। यहाँ से नीचे वाली साइड है, तो चलते हैं भाई साहब। तकरीबन 200-300 स्टेप हमको नीचे जाना पड़ेगा इन सीढ़ियों से होकर। सो गाइस, फाइनली हम लोग इस वक्त आ चुके हैं अब्दुल्ला वाटरफॉल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये था अब्दुल्ला वाटरफॉल जो कि राजौरी से तकरीबन 25-27 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है दरहाल के अंदर। बाकी घूमने के लिए ये मस्त जगह है। यहाँ पे आज संडे का दिन है, कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। कुछ इस तरह का व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है, देखो वाओ। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग खोड़ी वाली से वापस आ चुके हैं। आज के ब्लॉग का हम यहीं पे करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और आपका ख्याल रखें, हंसते और मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैन यू अमेजिंग गाय, माशाल्लाह।